हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवन गेमिंग। और आज हम लोग जाने वाले हैं पाबना लेक। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मुंबई में रहते हैं और पाबना लेक जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप एरिया, गूगल मैप पे आपको दिखा रहा है। ये लगभग 2.5 घंटे का रास्ता है जिसको हम लोग कवर करेंगे। बीच में रुकेंगे स्नैक के लिए, बहुत फेमस शॉप है वो भी बताऊँगा। और ये देखिए लोनावला के पास में भी है ये, तो आप लोनावला से भी यहाँ आ सकते हैं और मुंबई के थ्रू भी आ सकते हैं। हम लोग बाई कार जा रहे हैं, आप चाहें तो लोनावला तक ट्रेन से आ सकते हैं मुंबई से, और फिर वहाँ से शेयर टैक्सी चलती हैं, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो हम लोग बाई कार हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा, लगभग 22-23 लोग हम लोग जा रहे हैं। कुछ बैचलर्स हैं, कुछ फैमिली पर्सनस हैं, तो सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने बहुत नेट पर सर्च किया, बहुत हमें अच्छे रिव्यूज़ मिले, तो हमने बुक किया अपना टेंट। 1000 रुपये के अंदर हमारी बुकिंग हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में हम लोग स्नैक करने, एक बहुत फेमस दुकान है स्नैक की, वहाँ रुकेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए श्री दत्त स्नैक, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। बहुत फेमस शॉप है, जो भी पर्सन लगभग गुजरते हैं वो यहाँ ज़रूर रुक के कुछ भी नाश्ता वास्ता करते हैं। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, वड़ा पाव, सब कुछ, चाय, टी, स्नैक, सब कुछ है यहाँ पे। ये देखिए बहुत भीड़ है, मुश्किल से जगह मिलेगी आपको। वीकेंड्स पे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जगह पाना। देखिए खचाखच बड़ा भरा हुआ है यहाँ पे, और अच्छा प्रमेसेस है। दो दुकानें, एक ये है कि इसके जस्ट सामने है इसी के नाम से, वो टेक अवे वाली मेरे ख्याल से शायद, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड है। हमने अपने लिए साबुदाना खिचड़ी, मिसल पाव लिया है, और कुछ भजिया ऑर्डर करिए, मुंबई में भजिया कहते हैं, देख सकते हैं आप। तत्ता स्नैक स्पेशल मिसल करी बहुत शानदार लग रही है, और अच्छी तरह से मिक्स कर ले। नींबू नहीं दिया आपको अलग से आज, नींबू निचोड़ के रखा है अंदर। अच्छा परफेक्ट। तो कैसा है, यूनिक टेस्ट है, क्या अलग है इसमें? सबके एज ग्रुप के लिए। हाँ ओके, अलग फ्लेवर है। 10 में से कितने नंबर इसको? 8 नंबर। सौरभ जी आपके 8। ओके, ये मैसेज मौजूद है दूसरे हमारे व्यूअर माटू जी, कितने नंबर आपकी तरफ से? 8.5 आधा पॉइंट ज़्यादा। तो आइए टेस्ट करते हैं। और गर्मा गर्म इट्स रियली नाइस, साथ में हमारे पास साबुदाना खिचड़ी और पकौड़ी, मिक्स पकौड़ी, अच्छी है, फिलिंग ठीक है, क्रंची लग रही है ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा क्रंची है। इट्स रियली नाइस, या 10 में से कितना? इधर से ही जाएंगे ना, नए वाले से 8 है, 10 में से 8 नए वाले से जाएंगे, नहीं पुराने वाले, पुराने से स्वाद आ रहा है, लेकिन ये रहा चलो, कैसा स्वाद? वहीं पे वहीं पर भी है डायरेक्ट, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? 9। सौरभ जी कितने नंबर? हाँ 10। तो दोस्तों खाने के बाद हम लोग अपने रास्ते पे निकल चुके हैं, लगभग आधी दूरी और रह गई थी। वहाँ पे पनवेल पे जो शॉप मैंने बताई वहाँ पे रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया है। और इस रास्ते पे भी आपको इस रूट पे तमाम रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ खाना है या कुछ लेना है अपने लिए, तो आप यहाँ पे रुक के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार व्यू, ये देखिए हमारे राइट हैंड साइड में ये पाबना लेक स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यू है, रुक के फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं आप चाहें तो। और बहुत से कैंप हैं यहाँ पे, आप किसी भी कैंप को बुक कर सकते हैं, बहुत से हैं। कुछ कैंप के लेक के इस तरफ हैं, कुछ लेक के दूसरी तरफ हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, इसके ऊपर भगवा आपको फहराते हुए दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो भगवा फहराते हुए दिखेंगे, मैंने जूम करने की कोशिश करी है, शायद आप लोग को दिखे। इसका भी डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो लिंक मैं दूंगा। और ये देखिए ये हमारे कैंप की साइट है दोस्तों, देखिए क्या शानदार व्यू है। वो आपके कैंप उस समय यहाँ पे टेंट लग रहे थे कैंप में, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। हम लोग पहले पर्सन थे जो वहाँ पहुँच गए थे, थोड़ा अंदर था हमारा कैंप, मगर बहुत शानदार व्यू है। मैं आपको लास्ट में इसका प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा, और कुछ स्नैप्स ली थी वही शेयर कर रहा हूँ। देखिए हम लोग मैच खेलते हुए, चार रन।
ये दोस्तों नाइट का व्यू है, आप देख सकते हैं सारे टेंट लग चुके हैं। ये फूड की अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, वेज नॉन वेज सब कुछ था। आप आए थे आपको टी स्नैक और पकौड़े मिले थे, सुबह भी आपको पोहा मिलेगा यहाँ पे। तो अरेंजमेंट बहुत बढ़िया थे, आप देख सकते हैं नाइट का व्यू शानदार है। मेरे पास DSLR नहीं था, वो आपको और अच्छा व्यू दिखाता ये। तो कुल मिला के फुल एंजॉयमेंट है यहाँ पे। दोस्तों ये सुबह का समय, सब कुछ जो कैंप का व्यू, ये देखिए ये लेक, ऊपर से मैंने इसका स्नैप लिया हुआ है वीडियो ये। तो आप ज़रूर प्लान करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी डाउट्स है यहाँ पहुँचने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।